और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आज से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार सुबह 8 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सामान्य गाड़ियों और अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है और उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आज से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 8 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। इस दौरान सामान्य गाड़ियों और अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। तो कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है, ऐसे में लखनऊ में भी अब वीकेंड कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। सोमवार सुबह 8 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान अनावश्यक चीजों पर रोक रहेगी, सामान्य गाड़ियों और अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जरूरी सेवाएं जो है वो लगातार जारी रहेंगी, लेकिन जो गैर जरूरी चीजें हैं उन पर अभी प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। वही हरदोई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरदोई के डीएम अविनाश कुमार ने कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। आपको बता दें, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर डीएम अविनाश कुमार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर ऐलान किया है और वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। हालांकि अनावश्यक चीजें जो हैं उन्हें इस दौरान प्रतिबंधित किया गया है और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है।